लेकिन निसंदेह ये गांधरबल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कॉन्स्टिट्यूंसी है और यहां यह दम तोड़ है आतंकवाद की एक दस्तक है। संदेश देने की कोशिश है कि अभी भी कश्मीर में आतंकवाद मिटा नहीं है, इसलिए कि जो नई रणनीति थी वो जम्मू को ज्यादा निशाने पर ले रहे थे और वैली में कहीं न कहीं आतंकवाद काफी कमजोर हुआ था। लेकिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का जो ये बयान है ये साफ साफ संकेत है कि इस वारदात को अंजाम देने में पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों का हाथ है। और जब कश्मीर में इंटेलिजेंस एजेंसीज, सेंट्रल फोर्सेज और जो इंडियन आर्मी है इन सबके बीच एक बेहतर कोऑर्डिनेशन है, J&K पुलिस भी अच्छा काम कर रही है, तो निसंदेह हालात तो बदल रहे हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं के लिए जवाबदेह जो लोग भी हैं उन्हें कड़े शब्दों में मुकाबला हिंदुस्तान से मिलना तय है। फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान साफ है कि इस घटनाक्रम के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। देखिए अब जो तथ्य उभर करके आए हैं उससे बिल्कुल साफ है कि कश्मीर के जो चुनाव हुए हैं, जम्मू में मतदाताओं की लंबी कतारें लगी और उतनी ही लंबी कतारें कश्मीर घाटी में भी लोगों ने देखी है और उसके बाद ये एक निर्भीक निष्पक्ष मतदान वहां संभव हुआ। पाकिस्तान ने जो कुछ भी कश्मीर की एक तस्वीर बनाने की कोशिश की थी अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर, वहां गहरा आघात लगा है और इससे पाकिस्तान के हौसले पस्त हैं। तो ये बौखलाहट और हताशा में कहीं न कहीं उनके द्वारा जो प्रोत्साहित तत्व हैं उन्होंने इस वारदात को